अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करो। यहाँ हर शख्स को लगता है कि उनसे अच्छी लाइफ दूसरों की है। खुद से ज़्यादा उन्हें इसी बात का कंसर्न होता है कि औरों के पास क्या है, वो कहाँ तक पहुँचे, उनका टाइमलाइन कैसा है। यही सब देखकर वो अपनी ब्लेसिंग्स की बजाय दूसरों की ब्लेसिंग्स गिनते रहते, बगैर ये समझे कि दूर से हर किसी की जिंदगी खूबसूरत ही नज़र आती है। सोशल मीडिया पे कोई अपने फेलियर्स पोस्ट नहीं करता, हर कोई अपनी बेस्ट साइड ही शो करता है। तुम आज किसी की लुक्स, उनकी सक्सेस, उनके स्टेटस को देखकर अपने आज से जो कंपेयर कर रहे हो और उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मत भूलो कि जो असल में दिख रहा है उसके पीछे उसकी कितनी एफर्ट्स, कितना स्ट्रगल रहा होगा। किसी को अपने से आगे देखकर खुद को किसी से कम मत समझो, ना ही उनसे जेलस हो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने अलग सफर पे है और अपनी कहानी लिख रहा है। तुम उनसे आगे या पीछे नहीं हो, बस फर्क इतना है कि सब अपने क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। याद रखना, जब आप किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते तब आप दूसरे नंबर पर ही रहते, इसलिए किसी का डुप्लीकेट नहीं, खुद का ओरिजिनल वर्जन बनो। बिकॉज ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। तो कंपैरिजन नहीं, खुद को चुनो और उसे फॉलो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, वो नहीं जो बाकी सब कर रहे हैं। क्योंकि जो काम तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और हाँ, रब की मेहर से आज जो भी तुम्हारे पास है उसमें कमियां ढूंढना बंद करो और उनका शुक्रगुजार रहो, और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए खुद का खुद से कंपैरिजन रखो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन ही तुम खुद हो। इसीलिए किसी से इन्फ्लुएंस नहीं, उससे इंस्पायर्ड हो। रिमेंबर, When you compare yourself to others, you are actually insulting yourself, and that's why don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 20, because it's a whole game of you versus you. You are unique, no one can play your role better than you.